ब्रिटेन के इतिहास में यह हफ्ता बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 5 सितंबर को उसे नया प्रधानमंत्री मिलेगा। इस बार देश के शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल के नेता और पूर्व मंत्री ऋषि सुनक भी दावेदारी ठोक रही हैं तथा अपने प्रतिद्वंदी ली ट्रस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर ऋषि पीएम बनते हैं तो यह अनोखा इतिहास होगा कि जिस देश ने भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा, अब उस देश का नेता भारतीय मूल का एक शख्स होने जा रहा है। खैर, 5 सितंबर को क्या होता है इसमें अभी वक्त है, लेकिन हम आपको संपन्न माने जाने वाले ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर भारत विरोधी रहा है और उस देश की अगुवाई भारतीय मूल के एक कद्दावर नेता कर चुके हैं और वह भी 2 दशक से ज़्यादा समय तक। ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो यह देश भी उन दर्जन भर से ज़्यादा देशों में शुमार हो जाएगा जहां पर देश की रहनुमाई भारतीय मूल के किसी शख्स ने की हो। बात हो रही है मलेशिया की। मलेशिया भी उन देशों में शुमार है जिसकी रहनुमाई भारतीय मूल के शख्स ने की या कर रही हैं। खास बात तो यह रही कि यह देश ज़्यादातर मौक़ों पर भारत के अंदरूनी मामलों में अनावश्यक का हस्तक्षेप करता रहा है। मलेशिया के साथ भारत के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मलेशिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 में बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC जैसे अंदरूनी मुद्दों को लेकर भारत का खुलकर विरोध भी किया। यही नहीं, उसकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इन मुद्दों को उठाने की कोशिश भी की गई। साथ ही मलेशिया ने इन अंदरूनी मामलों पर मुस्लिम देशों को साथ आने की अपील भी की। भारत की तुलना में इन दिनों पाकिस्तान से मलेशिया की नज़दीकियां लगातार बढ़ी हैं। यही नहीं, मलेशिया ने भारत में मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को अपने यहां पनाह दे रखा है। उसे प्रत्यर्पण से लगातार मना भी करता रहा है। यह सब कुछ उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ जो भारतवंशी है और उनके दादा की पैदाइश भारत में हुई थी। यहाँ बात हो रही है महातीर बिन मोहम्मद की, जो दुनिया में किसी भी देश में बतौर भारतवंशी सबसे कामयाब राजनेताओं में गिने जाते हैं। महातीर मोहम्मद पहली बार जुलाई 1981 में प्रधानमंत्री बनने और वह अक्टूबर 2003 तक पद पर बने रहे। इसके बाद वह मई 2018 फिर से प्रधानमंत्री बने और मार्च 2020 तक पद पर बने रहे। इस तरह से वह कुल 24 साल तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे। 2018 में जब वह फिर से प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र उस समय 92 साल थी। 2 दशकों से अधिक समय तक राज करने वाले महातीर पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के साथ ही दुनिया के सबसे बुजुर्ग निर्वाचित नेता का खिताब भी अपने नाम कर लिया। साथ ही वह मलेशिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले महातीर मोहम्मद देश में कैबिनेट मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर भी रहे। मलेशिया को तरक्की की राह पर ले जाने में महातीर का अहम योगदान रहा। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए महातीर को आधुनिक मलेशिया का पिता कहा जाता है। मलेशिया की आज़ादी के 64 साल के इतिहास में 24 सालों तक महातीर मोहम्मद देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मलेशिया 1957 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। मलेशिया के विकास और गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के पीछे महातीर मोहम्मद की सोच है। कुआलालंपुर का विशाल एयरपोर्ट और 452 मीटर ऊंचा विश्व प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर भी उनकी इसी सोच की मिसाल है। दुनिया के सबसे कामयाब भारतवंशी नेताओं में महातीर मोहम्मद भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 24 बसंत बतौर प्रधानमंत्री देखे हैं। महातीर का जन्म 10 जुलाई 1925 को ब्रिटिश शासन में आने वाले केधा राज्य की राजधानी अलोर सितार में हुआ था। वे अपने 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे और उन्हें केक डेट उपनाम से जाना जाता था। भारतवंशी महातीर मोहम्मद के पूर्वजों का नेता केरल से है। महातीर के पिता मोहम्मद बिन स्कंदर पेनांग मलय से ताल्लुक रखते थे। उनके पूर्वज दक्षिण भारतीय राज्य केरल से आकर यहां आकर बसे थे। वे अलोर सितार के एक अंग्रेजी स्कूल के पहले मलय हेडमास्टर थे और बाद में हेडमास्टर बने थे। महातीर की माँ वान थेम्पोन केदा से ताल्लुक रखती थी, जबकि उनके दादा केरल से मलेशिया गए और उन्होंने वहाँ मलय महिला से शादी कर ली। खास बात यह है कि मलेशिया में भारतवंशी नेताओं की बड़ी लिस्ट है
और महातीर के अलावा कई अन्य नेता राजनीति की दुनिया में बेहद कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। Thank you.